गाइज़ कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सर इज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड गाइज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एंड गाइज दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने इधर इसके नीचे अंडरग्राउंड लाइट लगाऊंगा। अभी गाइज नहीं लगाई है मैंने, एंड गाइज वो उसे आप कैसे लगा सकते हो। सो गाइज़ अभी आप देख लेना। सो गाइज़ आपको इस देख के कुछ अंदाज़ा लग गया होगा मैं इस टाइम क्या करने वाला हूँ। गाइज ये वायर है, ये कटर है, ये लाइट है जो हमने लगानी है। एंड गाइज टेप कहाँ गई? सो गाइज उसको भी कहीं से ढूंढ लाएंगे अभी। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो आप अपने किसी भी व्हीकल के अंदर अंडरग्राउंड लाइट लगा सकते हैं। सो गाइज अगर मैं आपको बात की जाऊँ ना तो सबसे आसान रहती है ये टू व्हीलर्स में, क्योंकि गाइज मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ एक बार। सो गाइज टू व्हीलर्स की आपको डायरेक्ट बिल्कुल मिड वे लग जाती है, लेकिन गाइज जब बात रहती है किसी थोड़े जिसकी वेट ज़्यादा हो गई उस व्हीकल की, सो गाइज उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है गाइज। लेकिन मैंने जैसे पिछली वीडियो में लगाई थी तो आपको दिखाता हूँ एक बार। सो गाइज वो मैंने लगाई थी कुछ गाइज वो यहाँ पे थी गाइज की टेप। सो गाइज वो एक यहाँ पे थी और एक उस साइड थी। सो गाइज साइड उस बार भी काफ़ी ज़्यादा ईजी लगी थी, उसकी भी आप वीडियोज़ देख लेना शॉर्ट्स में है गाइज। सो गाइज इस बार ना मैं सिंगल लाइट लगाऊंगा। सो गाइज आपको ना कुछ यहाँ पे एक लाइट लगी दिखी होगी। सो गाइज फोकस तो नहीं हो रहे हैं। इस लाइट की भी गाइज कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि गाइज ये लाइट को लगे हो गया 4 साल, 1 साल के बाद ये बंद हो गई थी। तो गाइज मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो गाइज हमारे पास आज है ये वाली लाइट। सो गाइज इसका कलर आपको पिंक लग रहा होगा, लेकिन ये पर्पल कलर की है थोड़ी सी। तो गाइज ये पीछे भी लगी हुई थी तो वहाँ से उतारी है। एंड गाइज ये एक और भी थी तो वो मुझे पता नहीं ना कहाँ पे है। तो गाइज वैसे भी मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लगाने वाला हूँ। एंड इसका कनेक्शन मैं करूँगा पार्किंग लाइट्स के साथ। सो गाइज उसके लिए मैंने इतनी सारी वायर ली है, क्योंकि गाइज वो मेरी वायर नीचे से आएगी गाइज यहाँ तक, कोशिश करूँगा यहाँ तक, नहीं तो ऊपर तक तो फिर ले जानी पड़ेगी गाइज। सो गाइज मैं अभी इसको पहले आपको बता दूँ मैं प्लेस किसके साथ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी ना वायर से एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ गाइज जहाँ पर वो लाइट लगी है ना कुछ गाइज, ये जो अजीब सा लग रहा है ना आपको बड़ा बड़ा सा गाइज, इसी के आसपास लगाऊंगा साफ़ करके, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, लाइट कभी भी उतर के गिर सकती है। सो गाइज मैं इसके पहले अब फटाफट से ना इसके ऊपर वायर्स एक्सटेंड कर लेता हूँ। सो गाइज वायर्स में ज़्यादा पतली भी नहीं ना ज़्यादा मोटी, नॉर्मल कॉपर वायर यूज़ करता हूँ। सो गाइज ये कॉपर वायर है। सो गाइज यार क्या हो रहा है इस फ़ोन को भी, ये भी गाइज आईफोन बन रहा है बिल्कुल, नखरे दिखाने लग गया आजकल। तो गाइस चलो अभी आपको दिखाते हैं।
अंडर बॉडी। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इस बार इसे यहाँ से प्लेस करेंगे गाइस फैब्रिक क्विक से। लेकिन गाइस उससे पहले कि जैसे कि आपने नीचे की हालत देख रखी है काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो गाइस उसे साफ़ करें। गाइस मैंने अब इसकी ना सरफेस साफ़ कर लिया गाइस, जहाँ से आपको ये दिख रहा है ना कलर थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा। सो गाइस यहाँ पे मैं इसे प्लेस करूँगा। सो गाइस उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये गाइस, ये एशियन पेट की फ्लेक्स इंस्टेंट एडेसिव। सो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, डायरेक्ट नॉर्मल वीडियो है। सो गाइस इसके अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसे कैसे प्लेस करता हूँ। सो गाइस इसके फेविक्विक ना मैं इसी एरिया पर डाल देता हूँ गाइस, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे गाइस। एक तो ना इस मटेरियल पे फेविक्विक टिक भी नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो रही है गाइस। गाइस तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। गाइस मैंने रख दिया इसे बिल्कुल, अब इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। गाइस बात बताऊँ क्या, ये फेविक्विक ना प्राणियों के थोड़ी ऐसी कच्ची सी हो जाती है, तो इसे बहुत देर तक पकड़ के रखना पड़ता है। सो गाइस मैं इसे पकड़ने के रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, इसके लिए आप भी एक लाइक तो कर सकते हो गाइस, शेयर जरूर कर देना। सो गाइस अब मैं ना सीधा इसको चिपकाने के बाद आपको मिलता हूँ। सो गाइस देखो मैंने अब यहाँ से नीचे से इसकी वायर है ना गाइस जो कुछ इस तरीके से माउंट कर ली है, थोड़ी सी ढीली सी गाइस अभी इस टाइम, लेकिन गाइस जब इसका कनेक्शन करेंगे ना कुछ यहाँ पे, सो गाइस यहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा आ गई, तो इसका भी कुछ ना कुछ सोचेंगे गाइस हम। तो इसको गाइस यहाँ पे ना देखो पॉजिटिव नेगेटिव है गाइस, देख सकते हो इसकी भी वायरिंग ना करनी है दोबारा गाइस। ये पॉजिटिव है जिसे मैं पकड़ रहा हूँ, एंड गाइस ये नेगेटिव है ये वाली, गाइस इसे लगानी पड़ेगी तो ये चलेगी। सो गाइस मैं अभी ना आपको इसमें डायरेक्ट वायर लगाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हो फाइनल लुक गाइस, नीचे यहाँ पर पड़ रहा है ऑरेंज वाले फॉग लैंप्स का थ्रो, एंड गाइस जो बिल्कुल अंडर बॉडी लाइट्स में ना गाइस उसमें है पर्पल लाइट। सो गाइस ये वाली लाइट ना वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती रहती है, एंड गाइस चलती भी थी काफ़ी टाइम पहले, तो इसलिए मैंने ये वाली चूज़ की थी। इसमें मेरे पास कलर ऑप्शन काफ़ी सारे थे, लेकिन गाइस जो बेस्ट मुझे लगा यही लगा, क्योंकि गाइस ब्लू है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इधर ग्रीन में लगाना नहीं चाहता वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो गाइस वाइट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता गाइस, वो तो नीचे पूरी रोड चमकाता रहता है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो गाइस और कोई ऑप्शन मुझे नहीं बेस्ट लगा, तो गाइस मैंने पर्पल चूज़ की है, क्योंकि गाइस में कलर ऑप्शन काफ़ी सारे थे गाइस, मैं ऑरेंज भी लगा सकता था, एंड गाइस काफ़ी सारे मतलब ऑप्शन आ जाते हैं। तो गाइस आप अगर यहाँ से भी देखो नीचे से, सो गाइस यहाँ से ये ऐसी लुक आ रही है कुछ। सो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए एक वार्निंग है या रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ कर दो गाइस सब्सक्राइब। एंड गाइस इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। सो गाइस आई होप कि आप सभी लोग को ये वाली जो है वीडियो मतलब जिसमें मैंने लाइट लगाई है तो ये आपको पसंद आई हो। सो गाइस ये आप किसी भी व्हीकल में लगा सकते हो, बस आपको कनेक्शन का थोड़ा देखना है कहाँ पे करना है, क्योंकि मैंने तो इसमें किया, अगर किसी और व्हीकल में मैं लगाऊंगा तो मैं आपको उसमें भी अपडेट कर दूंगा। सो गाइस इसमें तो मैंने यहीं पे लगाई है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइस वीडियो को लाइक चैनल को कमेंट कर जाना। ओके बाय।